नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित, हाई स्कूल में 77.74, इंटर में 82.63% छात्र पास, मुकुल दिया टॉपर। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आ गया है। हाई स्कूल का रिजल्ट इस साल 77.47% रहा, बालकों का 3%, 71.12% रहा। बालिकाओं ने बालकों से करीब 14% ज़्यादा 84.06% सफलता पाई है। टेरी गढ़वाल के सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार के छात्र मुकुल सिलसवाल ने हाई स्कूल में टॉप किया है। मुकुल ने 99% अंक पाए हैं। उत्तरकाशी का अवस्थी और टिहरी के अर्श जुआल ने हाई स्कूल में 98.60% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बागेश्वर के मंडल सेरा की छात्रा रबीना कोरंगा ने हाई स्कूल में उत्तराखंड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रबीना ने 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। रबीना का प्रतिशत 98.40% रहा। इंटरमीडिएट में हरिद्वार की दिया राजपूत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंटर में हरिद्वार की दिया राजपूत ने मारी बाजी, 97% अंकों के साथ किया टॉप। धर्मनगरी हरिद्वार की रहने वाली दिया राजपूत ने इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप किया है। दिया ने 500 में से 485 अंक हासिल किए हैं। दिया का कुल प्रतिशत 97% है। दिया राजपूत हरिद्वार के SVMIEC मायापुर की छात्रा है। उत्तरकाशी बस हादसा, जौलीग्रांट लाए गए 25 शव, एयरलिफ्ट कर खजुराहो भेजेंगे। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। इनमें से मध्य प्रदेश के यात्रियों के 25 शवों को उत्तरकाशी से देहरादून के जौलीग्रांट पहुंचा दिया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुँचाए जाएंगे। मसूरी में कार खाई में गिरी, दिल्ली के एक युवक की मौत, युवती घायल। मसूरी हाथीपाव मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली से मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। ऑल इंडिया टॉपर बने काला ढूंगी के हिमांशु पांडे, CDS में हासिल किया पहला स्थान। काला ढूंगी के हिमांशु पांडे ने UPSC CDS की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। हिमांशु काला ढूंगी विधानसभा क्षेत्र के पूरनपुर कुमटिया लामा चौड़ के निवासी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सेना में जाने की तैयारी की थी। हिमवीरों ने 22,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग अभ्यास, दिखा भारतीय जवानों का हौसला। 21 जून को हर वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां की जाती हैं। ITBP जवान भी इसकी तैयारियां कर रहे हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र आबी गामिन में 22,850 फीट से ऊंचे इंडो तिब्बत बॉर्डर पर शून्य से नीचे तापमान में ITBP के जवानों ने योग किया। रुड़की पुलिस चेता से उठा ले गई किशोरी का शव, पढ़िए क्या है पूरा मामला। सालियार गांव में एक नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन पुलिस को बताए बिना शव का दाह संस्कार करने ले गए, लेकिन किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में पंडित बिरजू महाराज की स्मृति में 4 दिवसीय कथक कार्यशाला शुरू। हरिद्वार में कथक कार्यशाला शुरू हो गई है। कथक कार्यशाला पंडित बिरजू महाराज की पुण्य स्मृति में शुरू हुई है। 4 दिवसीय कथक कार्यशाला का उद्घाटन BHEL के महाप्रबंधक नीरज दवे ने किया। लक्सन में मृतकों के नाम से भी राशन हड़पता था डीलर, मुकदमा दर्ज। लक्सन में सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग को जांच में भारी अनियमितताएं मिली है। विभागीय अधिकारी के तहरे पर पुलिस ने आरोपी सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राशन विक्रेता मृतक व्यक्ति के नाम से भी राशन चढ़ाकर गबन करता रहा। चारधाम यात्रा के लिए निजी बसों का अधिग्रहण बाधित हो सकता है लोकल यातायात। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। ऋषिकेश में रुके यात्रियों को चारधाम के दर्शन कराने के लिए जबरन यातायात सहकारी संघ और TGMO की 25 बसों को आरक्षित कर लिया गया है। बसों के अधिग्रहण से टिहरी और उत्तरकाशी की निजी बसें पूरी तरीके से बाधित होने का अंदेशा जताया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नहीं बटी किताबें, DGE ने अपने समेत 600 अफसरों कर्मचारियों का वेतन रोका। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टी से पहले ही सभी छात्र छात्राओं को निशुल्क किताबों का वितरण होना था, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की हिलाहवाली का नतीजा ही है कि छात्र छात्राओं को अब तक निशुल्क किताबों का वितरण नहीं हो पाया। महानिदेशक शिक्षा ने किताबों का वितरण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विभाग के करीब 600 अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। साथ ही स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए अपना वेतन भी रोक दिया है। बजट सत्र, 14 से 20 जून तक विधानसभा में गैर सरकारी लोगों पर प्रतिबंध, आए 502 सवाल। 14 से 20 जून तक देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बजट सत्र को लेकर आज सुरक्षा बैठक ली। बैठक में तय हुआ कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गैर सरकारी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि अभी तक बजट सत्र के लिए 502 सवाल आ चुके हैं। महिला कांस्टेबल उत्पीड़न मामले में आया नया मोड़, बोली प्लीज वीडियो न करे वायरल। महिला कांस्टेबल पार्वती गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से उनके वीडियो को शेयर न करने की अपील की है। बता दी कि पार्वती गोस्वामी ने कालाडूंगी थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह नेकी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
कलयुगी ताऊ ने भतीजी के साथ किया मुंह काला, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। नाबालिग से दुराचार के मामले में सतपुली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्व पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी नाबालिग का ताऊ बताया जा रहा है। मानसून आपदा को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने सभी डीएम को दिए जरूरी निर्देश, डेंजर पेड़ हटाने को भी कहा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को वीसी के जरिए बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर समय रहते व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी तो आपदा के दौरान रेस्क्यू में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसको लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। गंगा नहर में नहाते समय डूबे 5 युवक, 2 की मौत। गंगा नहर में नहाते समय 5 युवक डूब गए जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। सड़क हादसों का डरावना इतिहास, उत्तरकाशी में सड़क हादसे 15 साल में जा चुकी है 249 लोगों की जान। उत्तरकाशी जिले में साढ़े 10 साल सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही। यमुनोत्री मार्ग के मुकाबले गंगोत्री हाईवे पर सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। पिछले 15 सालों में उत्तरकाशी जिले में बड़े हादसों में 249 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1995 के हादसे में एक साथ 70 लोगों की मौत तक हुई थी। चंपावत उपचुनाव, हरीश रावत ने कहा परिणाम उत्तराखंड की राजनीति के लिए चिंताजनक। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया, चुनाव परिणाम उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एसओपी होगी सख्त, विपक्ष का सरकार पर निशाना। उत्तरकाशी के डामटा में मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी थी। इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल ने कहा कि एसओपी को सख्त करेंगे और सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दुख जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर बार बार ऐसी घटनाओं के होने से हमारा सर शर्म से झुक रहा है। सिड़कुल की महिला कर्मी ने 2 अफसरों पर लगाया लव जिहाद का आरोप, हिंदू संगठन का हंगामा। पंतनगर सिड़कुल की हेलमेट बनाने वाली कंपनी के 2 अधिकारियों पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। युवती ने अधिकारियों पर शारीरिक संबंध बनाने से लेकर धर्म परिवर्तन जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। सेल्फी पॉइंट खस्ता हाल, हरिद्वार में खस्ता हाल हुए सेल्फी पॉइंट बी भागीरथ संस्था फिर करेगी सौंदर्यीकरण। हरिद्वार शहर में बींग भागीरथ नाम के संस्था ने कई सेल्फी पॉइंट बनाए थे लेकिन सेल्फी पॉइंट की देखरेख नहीं होने के कारण इनकी हालत खस्ता हो गई है। ऐसे में संस्था के संयोजक शिखर पालीवाल ने कहा कि उनकी संस्था के लोगों के सहयोग से इन खस्ता सेल्फी पॉइंट को पहले जैसा बनाया जाएगा। सूरज के तेवर दिखाते ही फिर से धधक उठे जंगल, फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने में जुटी। उत्तराखंड में जैसे सूरज ने फिर से तेवर दिखाने शुरू किए हैं, जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से श्रीनगर के सरना और सुमाड़ी के जंगल धधक रहे हैं। इसके साथ साथ पौड़ी के रौसी स्टेडियम में आसपास भी जंगलों में आग लगी हुई है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। 26 दिन बाद भी नहीं खुल पाया कुंड चोपता बद्रीनाथ हाईवे, लोगों ने किया चक्का जाम। कुंड चोपता बद्रीनाथ हाईवे 26 दिनों से बंद पड़ा हुआ है जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। परेशान लोगों ने आज फिर एक बार केदारनाथ हाईवे जाम किया जिससे 14 यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आधी अधूरी जानकारी के साथ समीक्षा बैठक में पहुंचे अधिकारी, डीएम ने लड़गाई फटकार। पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोदंगड़े ने सोमवार को अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में कई अधिकारी बिना जानकारी के पहुंचे थे जिन पर पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोदंगड़े ने नाराजगी जताई और उन्हें कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।